आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत के अखंड भारत के बयान पर संजय राउत ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा कि हम भी इस नेक काम में आपके साथ होंगे, लेकिन 15 साल का समय मत लीजिए, ये काम 15 दिन में कर डालिए। संजय राउत ने कहा कि आप अखंड भारत बना लीजिए, लेकिन 15 साल का नहीं 15 दिन का वादा कीजिए। अखंड हिंदुस्तान बनाइए। अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता है। वीर सावरकर बाला साहेब ठाकरे का ये सपना था कि सबसे पहले आप वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए, श्रीलंका को भी जोड़िए, फिर एक महासत्ता बना लीजिए। आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन उससे पहले कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवा दीजिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो हम आपका समर्थन जरूर करेंगे। बता दें कि आरएसआर के सरसंचालक मोहन भागवत 15 साल में भारत के अखंड राष्ट्र बनने की बात कही थी। हरिद्वार में उन्होंने प्रवास के दौरान पर कहा था कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है, 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा, यह सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। उन्होंने कहा कि हम अहिंसा की ही बात कहेंगे, पर यह बात हाथों में डंडा लेकर कहेंगे। हमारे मन में कोई द्वेष शत्रुता भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है तो हम क्या करें। आरएसएस चीफ ने कहा कि जो तथाकथित लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं उनका भी उसमें सहयोग है, अगर वह विरोध ना करते तो हिंदू जागता नहीं, क्योंकि वह तो सोता रहता है। कहा कि भारत उठेगा तो धर्म के माध्यम से ही उठेगा। सरसंचालक मोहन भागवत ने कहा कि धर्म का प्रयोजन भारत का प्रयोजन है, धर्म के उत्थान के लिए प्रयास होगा तो ही भारत का उत्थान होगा, इसे रोकने वाले हट जाएंगे, मिट जाएंगे। संतों ने संघ प्रमुख के हरिद्वार प्रवास में संतों से उनके समक्ष उठाई देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।